हेलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहां पर एक अपडेट आज आई हुई है और ये अपडेट रहने वाली है यूजी जो एनुअल सिस्टम के एग्ज़ाम हैं उनके बारे में तो वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट करते हैं कि कब हो गए एग्ज़ाम हमारे प्रमोश प्रमोट किया जाएगा ये एग्ज़ाम होंगे तो कुछ यहाँ पे अपडेट आई हुई है तो वो आपको बताता हूँ ठीक है आज की अपडेट है ठीक है चलिए दोस्तों असमंजस पचास हज़ार स्टूडेंट्स इंतज़ार में फ़र्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने पर भी नहीं हुआ है फ़ैसला तो कोरोना नहीं बढ़ा तो पंद्रह जून के बाद होगी यूजी के एग्ज़ाम की डेट तय यानी कि अगर कोरोना अगर आगे नहीं बढ़ता है और ज़्यादा केसेज नहीं आते हैं तो पंद्रह जून के बाद जो है यू के एग्ज़ाम की डेट तय होगी फाइनल ईयर की परीक्षा करवाना चाहता है प्रशासन तो दोस्तों मैंने भी आपको यही कहा था अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होंगी मेरी सुनी होंगी और देखी होंगी तो मैंने आपको पहले ही ये सब बता चुका हूँ पहले ही बताया था कि जून में ये रिव्यू करेंगे ठीक है उसके हिसाब से ये डिसीज़न लेंगे ओके अगर सिचुएशन मतलब बिल्कुल अगर मतलब ज़्यादातर अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो अभी पंद्रह जून जो भी आने वाला है मई लगा हुआ जून जब आएगा पंद्रह जून मैं आपको थर्ड वीक से बोल रहा था कि जून थर्ड वीक से हो सकता है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएँ बट अभी देखना यह है कि कोरोना बढ़ता है या कम होता है ठीक है कोविड नाइन्टीन के केसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो यहाँ पे कमेंट कॉमेंट भी किया था फिर उनको मैंने बता भी दिया था कि अगर बिल्कुल ठीक होगा तभी ये पॉसिबल होगा और बसेज वगैरह चलेंगी तभी ये हो सकता है अगर बसेज वगैरह नहीं चलेंगे ऐसा तो है नहीं कि सभी के पास अपने अपने व्हीकल है तो वो अपने व्हीकल में जा सकते हैं ऐसा तो है नहीं मतलब जिनके पास व्हीकल नहीं है वो कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे वो तो बसी से ही एग्ज़ाम देने जाएंगे है ना तो ये है कि जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़ा एग्ज़ाम का अभी देखेंगे कि जून में क्या ये देखते हैं कम होते हैं केसिस या बढ़ते हैं ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है तो यही कहा गया है कि पंद्रह जून के बाद ही कोई फ़ैसला हो सकता है प्रदेश में अगर कोरोना वायरस के मामले नहीं बढ़े तो फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर की कक्षाओं के लिए प्रमोट करने के लिए फ़िलहाल अभी कोई भी फ़ैसला नहीं हुआ है और हाँ कल एक और कमेंट आया था कि यहाँ पर बोलने की फ़र्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाएगा दोस्तों 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 मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ और पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप किसी भी जो आपके पास कोई पोस्ट आती है या कोई इमेज आती है या कोई पीडीएफ आता है तो पहले आप देख लिया करो कि वो ऑफिशियल है या नहीं है ठीक है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये चला हुआ है फेक न्यूज़ मतलब सर्कुलेट होती रहती है एग्ज़ाम से रिलेटेड चाहे कोई भी न्यूज़ हो है ना एक एक बंदे को सेंड करेंगे फिर आगे से आगे से आगे नोटिफिकेशन सेंड होते रहते हैं तो आप उसके ऊपर देख लिया करो ठीक है नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक किया करो या इस चैनल के ऊपर आके चेक कर लिया करो ठीक है कि ऑफिशियल है या नहीं है तो जून महीने में ही कॉलेजों को भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए जाएंगे अभी जो है विश्वविद्यालय प्रशासन यू के आदेश का इंतज़ार कर रहा है ओके और जून महीने में ही कॉलेजों को भी इस तरह के आदेश जारी कर दिए जाएंगे दोस्तों एच गवर्नमेंट भी यहाँ पर रिव्यू करेगी जून में ठीक है एच प्रशासन को इस बार करीब डेढ़ लाख छात्रों की परीक्षाएँ लेनी हैं पचास हज़ार के करीब तो फाइनल ईयर के छात्र हैं ऐसे में इसके लिए भरपूर तैयारियां करने की ज़रूरत है हालांकि पंद्रह जून के बाद कॉलेजों से भी इस मामले में फीडबैक लिया जाएगा पिछले करीब दो महीने से छात्र असमंजस की स्थिति में हैं इस बार किस तरह से परीक्षाएं होंगी यह दूसरी बार हो रहा है यू की परीक्षाएँ करीब नौ महीने की देरी से करवाई जा रही हैं और करवाई कहाँ जा रही हैं अभी तो कुछ पता ही नहीं है यूजी की परीक्षाएं करीब तीन महीने की देरी से करवाई जा रही हैं कॉलेजों में नए सत्र को कैसे शुरू किया जाना है इस पर भी प्रशासन की ओर से जून के पहले सप्ताह में प्लानिंग बनाई जाएगी और ग्यारह जून से हर साल नया सत्र शुरू हो जाता है दोस्तों तो अगर आपके एग्ज़ाम हो तो उसके ऊपर पैटर्न क्या रहेगा तो जुलाई से परीक्षाएँ हो सकती हैं कोरोना वायरस के मामले कम हो तो यहाँ पे जुलाई से परीक्षाएँ यहाँ पे कहा गया है बट ऑफिशियल जो है दोस्तों आपको जून तक तक का आपको वेट करना ही पड़ेगा इस बार परीक्षा सेंटर बढ़ाए जाएंगे और सेंटर के एक कमरे में पंद्रह से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बैठेंगे ठीक है इसके बाद कहा गया है इसके बाद यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि सोशल डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस का पालन मास्क के अलावा सैनिटाइज़र का प्रयोग करना भी जरूरी है इसमें तो पहले भी था स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा ओके okay, एक घंटे पहले पहुंचना है पेपर चेकिंग परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद पेपर चेकिंग का काम शुरू हो जाएगा छात्रों को रिजल्ट आने तक दूसरे कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दे दी जाएगी परीक्षा केंद्रों में छात्रों को सिर्फ बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी छात्रों को देने हैं आठ पेपर ये तो सभी को पता है इसकी ये तो बजाने बताने की जरूरत ही नहीं है और ऐसे होंगे पेपर चेक जिस परीक्षा केंद्र में पेपर चेक होगा वहाँ से नज़दीक के परीक्षा केंद्र में से भेजा जाएगा ताकि जो समय पेपर को एच भेजने में लगेगा वह बच जाए तुरंत प्रभाव से यहाँ पर एग्जामिनर पेपरों की चेकिंग शुरू कर देंगे इससे विश्वविद्यालय प्रशासन एक या दो महीने के अंदर रिजल्ट निकालने में कामयाब हो सकता है यूजीसी की ओर से तय अवधि में नए सेशन को शुरू करने में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को आसानी होगी तो ये कुछ दो अपडेट है और यहाँ पर भी देख लेते हैं डॉक्टर जे एस नेगी ने क्या क्या कहा है जो एच पी के सी ओ ई हैं कोरोना वायरस के मामले में प्रदेश में अभी बढ़ रहे हैं अगर संक्रमण के मामले कम होते हैं तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही यूजी परीक्षाएं करवाई जाएंगी सभी की राय ली जाएगी फिलहाल परीक्षाएं करवाने के जो भी आदेश होंगे उसके लिए हमने सभी तरह की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं तो तैयारियाँ की पूरी हैं और अभी देखना यह है कि जून में ये क्या डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर फिर ये लगेगा पता कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे ठीक है मतलब क्या ये डिसीजन डिसीजन लेंगे वो जून में आपको पता चलेगा तो आई थिंक अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं डेली कि कब होंगे एग्ज़ाम कब होंगे एग्ज़ाम मैं भी उनको रोज़ ही एक ही रिप्लाई देता हूँ कि जून तक का वेट करो जून तक का वेट करो ठीक है तो अभी आपको जून तक का वेट करना है ज़्यादा टाइम है नहीं ज़्यादा समय अभी है नहीं है ना बारह दिन बचे हैं बारह तेरह दिन जून स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद रिव्यू करेंगे सिचुएशन को तब फिर देखते हैं कि क्या आपके साथ होता है एग्ज़ाम कैसे होते हैं या कैसे नहीं होते हैं क्या होगा वो आपको चल जाएगा पता ठीक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू